सो एज इन द लास्ट लेक्चर हमने ये न्यू लेसन स्टार्ट किया है व्हाट इज हिस्ट्री. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर पास्ट इवेंट्स, व्हाट इज हिस्ट्री. वी हैव ऑल्सो सीन द टाइमलाइन, राइट. टाइमलाइन क्या होती है ये हमने कल देखा था. एंड वी हैव स्टडीड व्हाट आर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, राइट. आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने थे ना आपकी बुक में. हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? ओके, वेरी गुड. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग सेक्शन टुडे. द नीड टू स्टडी हिस्ट्री. अब हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द नीड? सो लेट सी. डिफरेंट पीपल स्टडी हिस्ट्री फॉर डिफरेंट रीजन्स. A doctor studies history to understand the different diseases and treatment of the past. A journalist studies history to understand the present events better. An architect learns about ways of constructing buildings and the materials used in past. The study of materials helps them to understand which materials are strong and which are weak. This helps them to make new buildings better. नाउ डॉक्टर हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ते हैं? सो दैट वो अपना नॉलेज और बढ़ा पाए कि पास्ट में, एंशियंट टाइम्स में या पास्ट में डिजीजेस को कैसे ट्रीट किया जाता था, कौन से मेडिसिंस यूज़ किए जाते थे. शायद वो बहुत इफ़ेक्टिव हो तो वो उनकी स्टडी से आज के प्रेजेंट सिस्टम को वो अच्छा और बेहतरीन कर पाए, राइट. इसलिए डॉक्टर्स हिस्ट्री स्टडी करते हैं. सेकेंड थिंग, जर्नलिस्ट हिस्ट्री इसलिए स्टडी करते हैं ताकि वो प्रेजेंट इवेंट अच्छे से समझ पाए. देन दे हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्ट. अब आर्किटेक्ट पुराने ज़माने के बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स जो भी होते थे वो कौन से मटेरियल से यूज़ किया गया था, कैसे पत्थर यूज़ किए गए थे. दे स्टडी ऑल दिस थिंग्स एंड देन सिमिलरली इट हेल्प्स देम टू कंस्ट्रक्ट द न्यू वंस, राइट. सम रीजन्स टू स्टडी हिस्ट्री आर एज फॉलोज. यहाँ पे कुछ रीजन्स उन्होंने दिए हैं आपको. टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज ऑफ पीपल इन डिफरेंट सिचुएशंस. टू नो व्हाई इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट. To help us understand the changes in the world, to help us become better citizen. तो ये कुछ reasons हैं इसलिए हमें history study करना है. First is, इससे हमें लोगों की stories के बारे में पता चलता है. Different, we understand different people, different stories, different situation की कैसे होता था, right, in past. Second thing, we become a good citizen, right. When you learn, you become more better. You become more better, right? Then something, it is very important to know what happened in past. Past events हमें पता चलते हैं कि क्या हुआ था world में, क्या हुआ था हमारे आसपास, कौन से changes, पहले world कैसा था, अब world कैसा है, या पहले हमारी country कैसे थी, अब हमारी country कैसे है. So all these events, it helps them to understand and make a good, better citizen out of you, right? Next is ways of learning about family history. Now there are different ways of learning about family history. Every person also has a past or family history. हर किसी की अपनी एक family history होती है और हर किसी का कोई ना कोई past होता है, पुराना, right, history होती है. So how can we know about the family history of our older family members? We can learn about our family history in many ways. सो फ्यू वेज. अगर आपको अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में अगर जानना है कि आप अपने मम्मा पापा से पूछ सकते हो कि पहले हमारी फैमिली कैसी थी, कौन कौन थे आपके फैमिली में, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर क्या करते थे, वो जब यंग थे तो वो कौन से स्कूल गए थे, या यू कैन आस्क मैनी क्वेश्चंस, राइट. तो फ्रॉम दिस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली. आपके ग्रैंडफादर के पेरेंट्स कौन थे, राइट, वो क्या करते थे, उनके पेरेंट्स कौन थे. तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलती है, दैट इज़ द थिंग व्हेन यू नो द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली, राइट. सो वी कैन लुक एट द ओरल सोर्सेज सच एज द स्टोरीज दैट आवर फैमिली मेम्बर्स रिमेंबर अबाउट देमसेल्फ एंड अदर्स. तो आपके मम्मी पापा आपसे शेयर करते होंगे बचपन में उन्होंने क्या क्या किया था, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताते होंगे. सो दिस आर द ओरल सोर्सेज. सेकेंड वे इज फॉर रिटन सोर्सेज. वी कैन रीड द लेटर, डायरीज, जर्नल्स ऑफ वेरियस फैमिली मेम्बर्स. तो बहुत लोगों को हैबिट होती है दे राइट देयर ओन जर्नल्स और डायरीज.
या कभी किसी ने कुछ लेटर लिखा हो तो आप ऐसे लेटर्स ढूंढ सकते हो या डायरीज रीड कर सकते हो जिससे आपको फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता चले। नेक्स्ट इज वी कैन ऑल्सो लुक एट ओल्ड फोटोग्राफ्स, ये तो आप सब करते होंगे, तो हम ओल्ड फोटोग्राफ्स देख सकते हैं या पुराने क्लोज अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के वो आप देख सकते हो, ज्वेलरी होती है हमारे घर में वो आप देख सकते हो, कुछ वीडियोज़ हैं या एनी अदर बिलोंगिंग्स, यू कैन नो द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली इन दिस वे। हियर इन द एप्लीकेशन सेक्शन आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, अब ये आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस कौन है और इनका काम क्या है? सो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर्क टुगेदर टू लर्न अबाउट द पास्ट, दे फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट प्लेसेज एंड ग्रुप्स। नाउ हु इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, प्लीज अंडरलाइन दिस, एन आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज बिल्डिंग्स पेंटिंग्स क्लोथ्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द पीपल इन द पास्ट। पास्ट में हमारे हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए थे इनकी स्टडी या इनके ऊपर रिसर्च जो करता है उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। एंड हु इज़ अ हिस्टोरियन, अ हिस्टोरियन स्टडीज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन द बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिटन इन द पास्ट। तो हिस्टोरियन का काम क्या होता है, कुछ भी बुक्स है पुराने ज़माने के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें स्टडी करके उन्हें और समझने की रिसर्च करने की कोशिश करता है उन्हें हम कहते हैं हिस्टोरियन। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे टेबल में आपको आर्कियोलॉजिस्ट के काम का स्टेप्स उन्होंने दिए हैं और वर्क ऑफ हिस्टोरियन दिया है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट दिस इन योर नोटबुक, वर्क ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड वर्क ऑफ अ हिस्टोरियन। वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, एन आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेट्स टू फाइंड रिमेन्स ऑफ द पास्ट, मतलब डिगिंग वगैरह अगर आपने देखा होगा पुराने प्लेसेस पे जाके वहाँ पे डिग करके जो भी चीज़ें मिलती है उन्हें निकाल के उनका रिसर्च करना। सो शी डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट्स, वो साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल यूज, कौन से मटेरियल से बने, ये सारी चीज़ों की स्टडी वो करना स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वे आर्कियोलॉजिस्ट वर्क। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाके बुक्स देखे गए राइट, डिक्शनरीज देखते हैं, बुक्स देखते हैं और उन्हें वो रीड करके, आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी बुक्स मिले हैं वो रीड करके उसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा कलेक्ट करके रिसर्च करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन टिल हियर। योर टुडेज वर्क इज आप डेफिनेशन लिखने वाले हो आर्कियोलॉजिस्ट की, हिस्टोरियन की, एंड यू विल ऑल्सो राइट वेज ऑफ लर्निंग हिस्ट्री अबाउट योर फैमिली। थैंक यू स्टूडेंट।